मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच 11 नवंबर को झारखंड के पलामू की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे बटेंगे तो कटेंगे पर विस्तार से बात करते हैं और सख्त विरोध करते हैं। इस तरह का विरोध कांग्रेस के किसी भी नेता ने निरंतर रूप से वैचारिक रूप से नहीं किया, आलोचना जरूर की, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध से लगता है यह नारा उन्हें ज्यादा चुभ गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नारा दे रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, अब किस तरह से कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम योगी आदित्यनाथ, या फिर यूं कहिए कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आकर खुलकर मैदान में खड़े हो चुके हैं, और किस तरह से बीजेपी पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुंह छुपाती हुई नजर आ रही है, खामोश रहती हुई नजर आ रही है, डरती हुई नजर आ रही है, इस रिपोर्ट को देखिए। अब इनकी कोशिश हो रही है, सुनिए खड़गे जी का ये बयान जो सीधे तौर पर बीजेपी पर प्रहार है। कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते, सर पे बाल भी नहीं रखते योगी जी, ऐसे एक नेता है, एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूँ, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। योगी मुख में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, योगी जी सोचिए, साधु का ड्रेस डालते हैं और वो ये बोलते हैं के बटेंगे तो कटेंगे, तो कटेंगे, ये बात कही जाती है। अरे भाई कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो। खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं, आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी। रिक्वेस्ट कर रहा हूं बाबा, तुम ये बाबा का ड्रेस छोड़ दो, आप ये गेरुआ पहनने का छोड़ दो कलर, आप सफेद कपड़े पहनो, जनता की सेवा करने के लिए बाहर आओ, जनता की सेवा करने के लिए बाहर आओ। नमस्कार, सुनिए अब रवीश कुमार ने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ का एक नारा इस बार के चुनावों की पहचान बनता जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। विपक्ष ने इस नारे को लेकर कई दूसरे नारे बना दिए, बढ़ेंगे तो जीतेंगे, बचेंगे तो रहेंगे, इस टाइप के। लेकिन इस नारे को लेकर एक लड़ाई और हो रही है जिस पर कम लोगों का ध्यान गया है। ये लड़ाई हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच 11 नवंबर को झारखंड के पलामू की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे बटेंगे तो कटेंगे पर विस्तार से बात करते हैं और सख्त विरोध करते हैं। इस तरह का विरोध कांग्रेस के किसी भी नेता ने निरंतर रूप से वैचारिक रूप से नहीं किया, आलोचना जरूर की गई है लेकिन वैचारिक तौर से विरोध नहीं किया। यह नारा उन्हें ज्यादा चुभ गया है। उनके भाषणों को सुनिए तो खड़गे इसे व्यापक विरोध का पैमाना बना देते हैं। आप खड़गे के बयान के इस हिस्से को सुनिए, वे केवल आलोचना नहीं कर रहे हैं बल्कि धर्म की आड़ में,
धार्मिक पहनावे की आड़ में राजनीति करने का भी विरोध करते हैं। जिस तरह से खड़गे ने योगी को निशाना बनाया है, उसके हिसाब से तो ये बड़ी लड़ाई में बदल जानी चाहिए थी, लेकिन योगी बनाम खड़गे बनकर रह गई है। यूपी का चीफ मिनिस्टर तो वो मायर है ना, वो हमेशा बोलता कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो करेंगे ये करेंगे। मैं उसी लिए ये बात कहते रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, बाबा तुम ये बाबा का ड्रेस छोड़ दो, आप ये गेरुआ पहनने का छोड़ दो कलर, आप सफेद कपड़े पहनो, जनता की सेवा करने के लिए बाहर आओ, सेवा करने के लिए जनता की बाहर आओ, ये सब चीज छोड़ो, तेरा भी मेरा, मेरा भी तेरा बोले जैसा पॉलिटिक्स में गेरू कपड़े डाल के, मैं साधु हूँ एक तरफ बोलते हैं, मैं संत हूँ एक तरफ बोलते हूँ, मैं नाथ पंथ का मुखिया हूँ बोलते हैं, ये क्यों बोलते भाई, ये क्यों बोलते हैं? साधु का काम करो, वो सब छोड़ के ये गेरुआ कपड़ा डाल के सबको बेवकूफ बना रहे, सबको बेवकूफ बना रहे, वो छोड़ दो, लोग उतने बेवकूफ नहीं है। तुम अपने आप को जो होशियार समझ रहे, तुम खुद बेवकूफ हो। आप प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनिए, चुनावी भाषण। वे राहुल गांधी को अक्सर निशाना बनाते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत दिनों के बाद कर्नाटका में खड़गे के एक बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना बनाया, तो खड़गे सीधे सीधे मैदान में उतर गए और लाभार्थी बनाम रेवड़ी पर डिबेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने लगे। खड़गे सामने से टकराने वाले नेता हैं, सामने से टकराने वाले नेता हैं, ऐसे वैसे नहीं है। पर तो होता है, लेकिन कांग्रेस की लाइन से भी ज्यादा ठोस होता है। अगर आप तुलना करना चाहें तो देख सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का विरोध राहुल गांधी किस तरह से कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से कर रहे हैं, काफी अंतर नजर आएगा। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के ड्रेस कोड पर भी सवाल उठाया और कहा कि राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति का लिबास भी धारण करना चाहिए, और अगर धार्मिक लिबास धारण करते हैं तो भाषा संतों की होनी चाहिए। इस नारे ने लगता है खड़गे को ज्यादा चुनौती दी है। जिस तरह से खड़गे ने इस चुनौती का जवाब दिया है, आपको विपक्ष के पाले में मौजूद नेताओं के जवाब तो दिखेंगे, लेकिन इस तरह के जवाब नहीं। मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मैं पूछता हूं मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो वो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को जलाओ, मनुस्मृति को जलाओ। और एक होने की बात करो तुम, मैं वोटों के लिए एक होना और बांटना लोगों को आप काम करते हैं। कांग्रेस कभी ये बात नहीं करेगी, कांग्रेस हमेशा एक होके एक रह के देश के लिए काम करी, इसीलिए तो महात्मा गांधी जी अपना प्राण दिए। उसका प्राण लिए कौन, कौन लिए, तुमको वो भी याद नहीं, तो इसीलिए वो वोट कैसा देंगे आप नितिन, हाँ गोडसे ने, गोडसे ने मारा। खड़गे मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं, बीजेपी उनकी इस बात को नजरअंदाज कर जाती है, क्यों नहीं जवाब देती है। मनुस्मृति जलाने की घटना का संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अभियान से, अभियान से है। दिसंबर 19 यानी भीमराव अंबेडकर ने दहन किया था, अंबेडकर ने हजारों लोगों के बीच मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति को दलितों के पिछड़ेपन और आर्थिक गुलामी का कारण बताया। बकायदा उस अवसर पर एक प्रस्ताव पास हुआ जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कहा गया कि यह किताब इंसानियत को बांटने वाली है, उसे नष्ट करने वाली है। दलित चेतना के इतिहास में यह घटना मील का पत्थर मानी जाती है। मील का पत्थर। खड़गे बटेंगे तो कटेंगे के नारे को मनुस्मृति से जोड़ते हैं और बताते हैं कि बांटने की विचारधारा कहां से शुरू होती है, इस विचारधारा की जड़ कहां कहां मौजूद है। इन्होंने बांटने का काम खुद किया, कैसा, इन्हों तो हजारों सालों से पहले हमको बांटे,
हजारों साल पहले से सप्रेस करें, हमको हमको काटते ही आ रहे हैं। बाटे कैसा इस देश में मनुस्मृति बनाए, मनुस्मृति में पहले ही बांट दिए, एक है ब्राह्मीन जो हमारे ओम प्रकाश साहब बैठे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ब्राह्मीन दूसरे है योगी वाले ब्राह्मीन, एक बैठे ब्राह्मीन, दूसरे बैठे क्षत्रिया, तीसरे बैठे वैश्य, चौथे बैठे शूद्र और एक क्लास निकला उसमें अति शूद्र। सोचिए इस तरह से लोगों को बांट दिया पहले ही। मनु स्मृति लागर कहाँ रखे, कहाँ है यूनिटी? और मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मैं पूछता हूँ मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो वो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को जलाओ, उस मनुस्मृति को जलाओ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि अगर आप एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मनुस्मृति को जला दो, क्योंकि उसके अंदर बांटने की बात कही जा रही है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वहीं पर वो धार्मिक चोला भी ओढ़े हैं और वहीं पर राजनीति की भी बात करते हैं। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुंह में राम बगल में चुरा, इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहावतें और कुछ मुहावरे उन्होंने यहाँ पर किए हैं। अब जरा आप लोग सोचकर बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं कि अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, अगर आप वाकई में एक धार्मिक चोला ओढ़कर रहते हैं, तो फिर आपका राजनीति में क्या काम, और अगर आप राजनीति के अंदर हैं तो फिर आप धार्मिक चोला क्यों ओढ़ रहे हैं? इस तरह की बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। अगर आप धार्मिक चोला ओढ़ रहे हैं तो फिर आप धार्मिक काम कीजिए लोगों के लिए, और अगर आप राजनीति में तो आप व्हाइट कपड़े पहनिए जो कि राजनीति का प्रतीक है। इस तरह की बात कही जा रही है दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।